हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। फ्रेंड्स, कुछ पर्सनल कामों के चलते मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, पर अब मेरे सभी काम कंप्लीट हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, पेश है मेरी नेक्स्ट स्टोरी, जो अगेन लिखी है मिस्टर रस्किन बॉन्ड ने, और स्टोरी का नाम है दी ओवरकोट। और मेरे एक व्यूअर की मांग पर मैंने ये स्टोरी अपलोड की है। फ्रेंड्स, इस स्टोरी में राइटर अपनी एक आप बीती सुना रहा है और कहता है, वो एक साफ ठंडी शाम थी और जैसे ही चांद हिमालय की उन सुंदर पहाड़ियों पर दिखने लगा, मैं जगह जगह इन हिमालय की पहाड़ियों पर बर्फ़ के बेहद सुंदर बादल नुमा सफ़ेद धब्बों को देख रहा था। मैं अपने आरामदेह बिस्तर पर बिल्कुल आराम से लेटा हुआ था, एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा था और अपनी ठंड को कम करने के लिए मेरे कंबल में एक रबड़ की गर्म पानी की बोतल भी थी। पर मैंने ज्यों की वादा कर लिया था कि मैं कपाडियस की पार्टी में जाऊंगा और उनको ना नहीं कहूंगा, और मेरा उनको ना कहना बहुत ही असभ्य जान पड़ता, इसलिए मैंने जल्दी से दो स्वेटर पहने, एक फुटबॉल स्कार्फ ओढ़ा और फिर एक ओवरकोट पहनकर उस चांद की रोशनी से खिली हुई सड़क पर पार्टी के लिए निकल पड़ा। वह करीब करीब एक मील का ही रास्ता होगा कपाडियस के घर तक। मैंने अभी आधा मील का रास्ता ही तय किया होगा और मैंने एक बेहद सुंदर लड़की को सड़क के बीचों बीच खड़े देखा। वह उम्र में करीब 16 या 17 साल की होगी, पर वह थोड़े पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए थी। उसके लंबे बाल उसकी कमर तक झूल रहे थे। उसकी यह पोशाक हल्की बैंगनी रंग की थी और उस पर काफ़ी अच्छी लग रही थी। मगर जब मैं उस लड़की के नज़दीक पहुँचा तो मैंने देखा कि यह बहुत ही सुंदर एवं सभ्य लड़की है, जिसकी एक दिलकश मुस्कान भी है। मैंने उस लड़की को देखते ही कहा, शुभ संध्या, यानी कि गुड इवनिंग। मैंने कहा, आज काफ़ी ठंड है। लड़की ने कहा, क्या तुम पार्टी में जा रहे हो? मैंने कहा, जी हाँ बिल्कुल, और मैं देख सकता हूँ आपकी इस खूबसूरत पोशाक से कि आप भी पार्टी में जा रही हैं। आइए हम दोनों साथ चलते हैं। हम बस पहुँच ही गए। थोड़ी दूरी पर चलने के बाद हम दोनों को देवदार के वृक्षों के बीच कपाडिया परिवार के घर की मध्यम रोशनी दिखाई देने लगी। मैंने उस लड़की से पूछा, आपका शुभ नाम क्या है? उसने कहा, जूली, मेरा नाम जूली है। मैंने उस लड़की को इससे पहले इन पहाड़ियों में कभी नहीं देखा था, पर मुझे तो इन पहाड़ियों में आए सिर्फ कुछ ही महीने हुए थे, तो हो सकता है वो मुझे वहाँ पर नहीं दिखाई दी हो। उनके घर पहुँचते ही पार्टी की रौनक देखने लायक थी, पर कोई भी वहाँ जूली को नहीं जानता था। सब ने यही सोचा कि वह मेरी दोस्त है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि वो मेरी दोस्त नहीं थी, वह सच में थी, भले ही उसे मुझसे मिले थोड़ी ही देर हुई थी। और वह सच में पार्टी का भरपूर आनंद ले रही थी। उसने कुछ भी ज़्यादा खाया या पिया नहीं, पर वह संगीत का भरपूर आनंद ले रही थी और बातचीत कर रही थी, हंस रही थी और लोगों के ग्रुप्स में घुल मिल कर उनके साथ हर तरह के संगीत पर नाच रही थी। वह काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। अब घड़ी ने रात के 12 बजाए और मुझे लगा कि अब इस पार्टी से चलना चाहिए। मैंने भी काफ़ी वाइन पी ली थी और लग रहा था कि मैं घर जाते ही सो जाऊंगा। मैंने अपने मेज़बानों को मैरी क्रिसमस कहा और वहाँ से विदा लेने लगा। तभी जूली ने अपना हाथ मेरे हाथ में डाला और कहा, मैं भी विदा लेना चाहूँगी। हम दोनों जब बाहर निकले तो मैंने पूछा, जूली तुम कहाँ रहती हो? उसने कहा, वुल्फ्सबर्न में, उस पहाड़ी के ऊपर। मैंने कहा, हवा काफ़ी ठंडी हो गई है अब। जूली, तुम्हारी पोशाक अच्छी है पर गर्म नहीं। मैंने कहा, मेरा ओवरकोट पहन लो, इसको पहन लो। मैंने उसे अपना ओवरकोट पहना दिया। उसने बहुत ही आराम से, बिना किसी झिझक के, बहुत ही सहज तरीके से वह ओवरकोट पहन लिया। अब हम दोनों घर की तरफ चल पड़े। हम आधे रास्ते पर ही थे कि अचानक जूली ने कहा, रुको। और जब मैंने उस रास्ते को अच्छी तरह से देखा तो मुझे समझ आया कि ये वही रास्ता है जहाँ पर जूली मुझसे मिली थी। जूली ने कहा, यहाँ से मैं शॉर्टकट ले लूँगी अपने घर के लिए। मैंने पूछा, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि ये रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है? उसने कहा, हाँ, मैं ये रास्ता अच्छी तरह से जानती हूँ, एक एक पत्थर एवं पौधों को भी जानती हूँ, इस रास्ते से आती जाती रहती हूँ, और फिर आज की रात तो चांदनी रात है, मैं चली जाऊँगी। मैंने फिर कहा, काफ़ी ठंड है, ये ओवरकोट पहने रहना, मैं इसे कल तुमसे वापस ले लूँगा। वह झिझक कर कुछ देर रुकी, फिर हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर वहाँ से चल पड़ी और उस पहाड़ी रास्ते पर दूर चलकर मेरी आँखों से ओझल हो गई
और मैं भी अपने घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन मैंने सोचा क्यों ना वुल्फ्स बन जाकर अपना ओवरकोट इससे वापस लिया जाए, और इससे एक मुलाकात का बहाना भी मुझे मिल गया। मैं वुल्फ्स बन तक गया। मैंने एक छोटी नहर पार करके एक बहुत ही पुराने मकान को देखा। ये एक बहुत ही पुराना मकान था जो देखने में बहुत ही खंडर नुमा था। मैंने एक लोहे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। यह एक टूटा हुआ घर था जिसकी कोई छत नहीं थी, एक टूटी चिमनी और कुछ टूटे खंभे जिन पर एक वरांडा किसी ज़माने में हुआ करता होगा। मैंने सोचा क्या जूली ने मुझसे कोई मजाक किया था या फिर मैं किसी गलत घर में घुस गया हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आसपास के लोगों से जूली के बारे में पूछा जाए। मैं मिशन हाउस नामक जगह पर गया जहाँ पर टेलर फैमिली रहती थी। मैंने सोचा कि उनसे जूली की खबर पता की जाए, पर उन्होंने इससे इनकार किया कि वे किसी भी जूली नामक लड़की को जानते हों। वे किसी जूली नामक लड़की को नहीं जानते थे। श्रीमती टेलर ने कहा, वुल्फ्स बर्न पर कोई नहीं रहता, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। एक ज़माने की बात है, आज से करीब 40 साल पहले यहाँ पर मैकिनन्स परिवार रहता था अपनी एक युवा बेटी के साथ। बस उनकी बेटी की जब मौत हुई तब वह वुल्फ्स बर्न को बेचकर हमेशा के लिए वहाँ से चले गए और वहाँ पर कभी कोई नहीं रहा। इसके बाद वह घर खराब होता चला गया। पर वह जूली नहीं होगी जो तुम्हें मिली होगी। मैकिनन्स की जूली की मौत बहुत पहले हो गई थी। उसकी कब्र नीचे जाने वाले रास्ते पर है। मिसेस टेलर ने यही कहा, यानी कि श्रीमती टेलर ने मुझे यही बात बताई। मैंने श्रीमती टेलर का शुक्रिया अदा किया और धीरे धीरे उस कब्र की तरफ बढ़ने लगा। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता था, पर फिर भी हिम्मत जुटाकर मैं आगे बढ़ा। वह एक छोटा कब्रिस्तान था देवदारों के वृक्षों में छुपा हुआ, और उनके बीच हिमालय पर पड़ी बर्फ उन पर से मुझे दिखाई पड़ रही थी। यहाँ पर पुरानी कब्रें थीं, पुराने अंग्रेज सैनिक, व्यापारी और साहसी व्यक्तियों की, एवं उनके बच्चे और पत्नियों की कब्र भी थी। अचानक मेरा ध्यान एक कब्र की ओर गया जिस पर लिखा था, जूली मैकिनन 1923 से 1939, यानी कि जूली मैकिनन 1923 से 1939 तक हमारे साथ कुछ पल के लिए, और उसका अगला कदम उस परमात्मा के पास अपने आखिरी सफ़र पर। चाहे कितने भी सावन आए और इस कब्रिस्तान की कब्रों पर बौछारें आईं और उनके पत्थरों पर अंकित नामों को मिटाया, पर इस छोटी प्यारी जूली की कब्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि वो एक बहुत प्यारी सी लड़की की कब्र थी। मैं अब वहाँ और नहीं ठहर पाया और जाने लगा। तभी मेरा ध्यान जूली की कब्र के पत्थर के पीछे एक चीज़ पर पड़ा। मेरे आश्चर्य के लिए वहाँ मेरा अपना खुद का ओवरकोट बहुत ही साफ सुथरे तरीके से तय किया हुआ रखा था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी दी ओवरकोट, जो अगेन लिखी थी मिस्टर रस्किन बॉन्ड ने। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको दी ओवरकोट? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।